हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टारिंग मैकेनिकल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीटेक सेकेंड ईयर एंड बी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बीटेक सेकेंड ईयर एंड बी फार्मा सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कब आया है। फ्रेंड्स, ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, ऑफिशियली डेट फिक्स हो चुका है कि फ्रेंड्स बीटेक सेकेंड ईयर एंड बीफार्म सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट कब आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके नॉलेज के लिए फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बीटेक सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 जून को बीटेक थर्ड ईयर एंड बीफार्मा थर्ड ईयर का रिजल्ट आउट कर दिया गया है एंड बस रह गया है बीटेक फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर का रिजल्ट बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बीटेक सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो 14 तारीख को शाम को 4 बजे आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे पता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कुछ लोग जानने वाले हैं जो AKTU में कॉपी चेक करते हैं या फिर AKTU में काम करते हैं, तो मैं उन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह AKTU से रिलेटेड लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, जहाँ तक की बात कॉपी चेकिंग की है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इस बार की कॉपी चेकिंग भी जो है वो बहुत थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की कॉपी चेकिंग तो थोड़ा सा टफ रही है, लेकिन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का कॉपी चेकिंग काफ़ी ईजी हुई है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया ही रहने वाला है। और ये डेट जो जैसा कि मैंने डिस्प्ले पे डेट को मेंशन किया है कि 14 तारीख, तो फ्रेंड्स 14 तारीख को शाम को 4 बजे आप लोगों का रिजल्ट आना ही आना है। 110% चांसेस है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आप लोगों का रिजल्ट 14 तारीख को आ रहा है, आई होप आप सारे लोगों का रिजल्ट बढ़िया है और आप सारे लोग ऑल क्लियर रहें और काफ़ी अच्छा परसेंटेज बने आप लोगों का।